Wah! Burn it down. Burn it. और छोटे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने 2.5 किलो के हाथ से बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि सबसे पहले आपको मिल सके हमारी वीडियो। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे चैनलों को आने से एक तो फायदा हुआ कि इसमें सेंसर बोर्ड की बिना रुकावट से हम लोग इरोटिक जैसे कॉन्टेंट को आसानी से देख सकते हैं, जिसके वजह से इरोटिक जैसे वेब सीरीज और फिल्म भी अब हमारे बीच एकदम खुल कर आ रहे हैं और इससे छोटे मोटे डायरेक्टर और छोटे मोटे एक्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा ही फायदा हुआ। तो ऐसे में आज मैं बात करूंगा हिंदी की टॉप 10 इरोटिक वेब सीरीज के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है XXX अनसेंसर्ड। ये सीरीज को आप अल्ट बालाजी और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इसमें टीवी सीरियल फेम ऋत्विक धंजवानी, शांतनु महेश्वरी और अंकित गेरा लीड रोल में है। ये सीरीज 5 एपिसोड की है। ये सीरीज सितंबर 2018 में रिलीज किया गया था। लव, लस्ट, सेक्स और न्यूडिटी से भरपूर है ये सीरीज। इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी आप साइड में रखकर ही इस सीरीज को देखिएगा, क्योंकि इसमें बस सेक्स पर ही फोकस किया गया है। 5 एपिसोड की ये सीरीज में 5 कहानियों को दिखाया गया है। इस सीरीज में ऋत्विक के कैरेक्टर जो कि एक्टर रहते हैं और वो शूट से वापस आ रहे होते हैं, फिर उसे रास्ते में एक लड़की से मुलाकात होती है जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है ये सब आप सीरीज में देख सकते हैं। इस सीरीज के सेक्स कंटेंट को अच्छे से दिखाया गया है जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी आप इस सीरीज को अल्ट बालाजी पर देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है माया। फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने खुद का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल लॉन्च किया और उस पर रिलीज किए माया। इस सीरीज के लीड रोल में है समा सिकंदर। ये एक एडल्ट लव स्टोरी है जिसको विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया है और ये विक्रम भट्ट की कोई पहली वेब सीरीज था जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया था। इस सीरीज को बहुत ही बोल्ड बनाया गया है। इस सीरीज के लीड एक्ट्रेस समा सिकंदर एक हाउस वाइफ के कैरेक्टर में है जो कि सेक्स की एडिक्ट रहती है। ये वेब सीरीज हॉलीवुड की फिल्म 50 Shades of Grey पर बेस्ड है। इस सीरीज की कहानी सोनिया और उसके परिवार और उसके एडिक्शन के बारे में है। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है। इससे पहले विक्रम भट्ट ने राज 3 को डायरेक्ट किया था, उसके बाद वो माया डायरेक्ट किए। विक्रम भट्ट बहुत पहले इसको बनाने वाले थे लेकिन सेंसर बोर्ड के झंझट के कारण वो इसको बना नहीं सके। ठीक, इसके बाद है 4 More Shots Please। अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई 4 More Shots Please जिसमें 4 लड़कियों की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरीज को आप अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। इसके लीड रोल में मानवी गौर, सनाई गुप्ता, गुरुबानी और कृति कुलारी और इसके साथ साथ प्रतीक बब्बर और नील भूपलन लीड रोल में है। ठीक, इसके बाद है ट्विस्टेड। इस सीरीज में निया शर्मा लीड रोल में है। इसके 2 सीजन आ चुके हैं। आप इसको विक्रम भट्ट के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल पर देख सकते हैं। इस सीरीज की कहानी आलिया यानी निया शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। बिजनेस टाइकून रणवीर की वाइफ का रेप और मर्डर हो जाता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर रणवीर और आलिया जो कि मॉडल रहती है उसका अफेयर सबके सामने आ जाता है। वहीं पर दूसरे सीजन की स्टोरी अलग है और वो भी मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है। लव, सेक्स और थ्रिलर से भरपूर इस सीरीज के टोटल 11 एपिसोड हैं। इस सीरीज में टिया वाजपेयी, नमित खन्ना और निया शर्मा लीड रोल में हैं, जो कि सारे टीवी सीरियल एक्टर रह चुके हैं। तो लव, रोमांस और सेक्स से भरपूर इस सीरीज को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है लस्ट स्टोरीज। इस सीरीज को 4 डायरेक्टर ने मिलकर बनाया है और 4 डायरेक्टर ने अलग अलग स्टोरी को डायरेक्ट किया है। जैसा इस सीरीज का नाम है वैसा ही ठीक इसका कहानी भी है। इस सीरीज को अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, करण जौहर और दिवाकर बनर्जी ने डायरेक्ट किया है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद 5वें नंबर पर है आश्चर्यचकित। इस सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आश्चर्यचकित की रेटिंग नेटफ्लिक्स पर 16+ रखा गया है। इस सीरीज को आप सॉफ्ट पोर्न भी बोल सकते हैं। इस सीरीज की कहानी एक प्रोस्टिट्यूट पर बेस्ड है जिसको फिल्म स्टार करण कुमार एक रात के लिए हायर करता है, लेकिन वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को परोस देता है। ठीक वहीं पर फिल्म स्टार के ड्राइवर को भी उससे प्यार हो जाता है और फिर स्टोरी की टर्निंग पॉइंट आ जाती है। इस सीरीज का क्लाइमेक्स या फिर इस सीरीज की स्टोरी की टर्निंग पॉइंट शानदार है। इस फिल्म के लीड रोल में है प्रियंका बोस जो कि श्रीवन राघवन की फिल्म जॉनी गद्दार में भी काम कर
कर चुकी हैं और उसका काम इस सीरीज में वाकई में लाजवाब है। इस फिल्म को मराठी फिल्म के डायरेक्टर समित काकर ने डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले दो मराठी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। इसकी कहानी मंटो की कहानी पर बेस्ड है। इसमें मुंबई की वो रोशनी को दिखाया गया है जो कि सूरज ढलने के बाद चमकती है। लस्ट, सेक्स, रोमांस, लव या फिर यू कहें सॉफ्ट पर्न के साथ साथ थ्रिलर वाली इस वेब सीरीज को भी आप देख सकते हैं। ठीक इसके बाद चौथे नंबर पर है गंदी बात। इस सीरीज के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। इस सीरीज को आप अल्टवालाजी पर देख सकते हैं। इस सीरीज के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक इसके बाद है देव डीडी। आप सभी ने बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म देवदास तो देखा ही होगा, ठीक उसी तरह है ये वेब सीरीज, लेकिन इसमें देव वाली फीलिंग आपको लड़की देगी और न्यू एरा आने की वजह से उसका हर एक चीज को नया नए जमाने के साथ दिखाया गया है। देवदास इस नए जमाने में पहले से बहुत ही हॉट और बोल्ड है। इस सीरीज को इरोटिक बनाने के लिए इसमें वो हर चीज डाला गया है जिसे लोग पसंद करते हैं। इस सीरीज के टोटल 11 एपिसोड है। इस सीरीज के लीड रोल में है संजय सूरी, रोशनी और रूमा मोल्ला। इस सीरीज को आप एकता कपूर की अल्टवालाजी पर देख सकते हैं। ठीक इसके बाद है रागिनी MMS Returns। पहले आई थी रागिनी MMS जिसमें राजकुमार राव थे और वो बहुत हिट रही। फिर उसके बाद आई थी रागिनी MMS 2 जिसमें सनी लियोनी लीड रोल में थी और वो अपने हॉटनेस से इस फिल्म को हिट करवा दी थी। ठीक उसके बाद एकता कपूर लेकर आई रागिनी MMS Returns। इस वेब सीरीज को आप अल्टवालाजी पर देख सकते हैं। इसकी कहानी रागिनी नाम के एक लड़की पर घूमती है। जब रागिनी कॉलेज में जाती है तो वो ऐसे जगह जाती है जहाँ पर कोई नहीं जाता, फिर उसके पीछे एक बुरी साया आ जाती है। इस सीरीज के लीड रोल में है कृष्णा शर्मा और रिया सेन। इस सीरीज को आप अल्टवालाजी पर देख सकते हैं। ठीक इसके बाद है सेक्रेट गेम्स। सेक्रेट गेम्स हमारे लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये पहली कोई इंडियन वेब सीरीज थी जिसमें ओपन न्यूड सीन दिखाया गया था। इस सीरीज के बारे में आप अच्छे से जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को